हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं ब्लैक पेपर पे कुछ ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा। फर्स्ट टाइम व्हाइट पेंसिल का यूज करके। वैसे मैंने कुछ दिन पहले ब्लैक पेपर पे एक ड्राइंग बनाई थी जेल पेन का यूज करके, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। बट मैंने ओनली व्हाइट पेंसिल का यूज करके या फिर व्हाइट पेस्टल का यूज करके, तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे किस तरह से ड्रॉ हो पाता है, किस तरह से व्हाइट एरियाज ऑप्ट हो पाते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे कि यूजली मैं व्हाइट पेपर का ही यूज करता हूँ, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। व्हाइट पेपर पर हमको डार्क एरियाज को ऑप्ट करना पड़ता है, बट ब्लैक पेपर पे हमको हाईलाइट्स देख के उनको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो पेपर मैं यूज़ करूँगा वो ये वाला पेपर है, प्रीमियम बाय कैम A4 एक्स्ट्रा ब्लैक कार्ड 160 GSM का है ये। और ये इम्पोर्टेंट पेपर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर है, एसिड फ्री। जब मैं हॉबी क्राफ्ट इंडिया गया था तब उन्होंने मुझे दिया था ये। तो इसमें 20 शीट्स हैं, तो इसको ही मैं यूज़ करके देखूंगा। और ये कलर पेंसिल्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले फेबर कैस्टल पॉलीक्रोम्स व्हाइट पेंसिल को यूज़ करके देखता हूँ मैं इसके ऊपर। और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बैटमैन का, तो मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी भी स्केल वगैरह का या फिर किसी भी मेजरमेंट मेथड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पेंसिल मेजरमेंट वगैरह का, क्योंकि मैं ओनली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देखते हैं किस तरह से पेंसिल्स यूज़ हो पाती हैं, उसके बाद आने वाली वीडियोज़ में ट्राई करेंगे रियलिस्टिक या फिर कुछ और ड्रॉ करने का। इस वीडियो में मैं ओनली व्हाइट का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि व्हाइट से देखेंगे किस तरह से मैं हाईलाइट्स को ऑप्ट कर पाता हूँ, क्योंकि डार्क एरियाज तो इसमें ऑलरेडी डार्क पेपर है, तो ओनली हाईलाइट्स पर ध्यान देना होता है इसमें। और ये कलर पेंसिल्स काफ़ी अच्छे से इरेज हो पा रही हैं, मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से इरेज भी हो रही हैं। जो भी हाईलाइट्स वाले एरियाज है वो ज़्यादा वाइट नहीं हो पा रहे, तो मैं अब चारकोल पेंसिल ट्राई करके देखता हूँ। सो अब मैं यूज़ करूँगा जनरल की चारकोल पेंसिल वाइट वाली। व्हाइट चारकोल पेंसिल से व्हाइट एरिया ज़्यादा ऑप्ट हो पा रहे हैं, काफ़ी जल्दी भी हो पा रहे हैं, बट ये फैल रहा है, तो आई थिंक ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर अब इसके ऊपर हाथ लग गया तो ये फैल रहा है, तो इसको अब मैं इरेज करके देखता हूँ। सो इरेज तो हो चुका है काफ़ी अच्छे से, तो अब मैं उसी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, फेबर कैस्टल पॉलीक्रोम्स वाइट। सो गाइस, ये ब्लैक पेपर पे कुछ इस तरह से ड्रॉ हो पा रहा है, देख सकते हैं काफ़ी लाइट लाइट लग रहा है। जो भी ज़्यादा हाइलाइट्स वाले एरियाज है वो बिल्कुल वाइट अगर मुझे करने हो तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस पेंसिल का यूज़ करके। सो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ पेस्टल पेंसिल। सो अब मैं ट्राई करता हूँ डरवेंट की वाइट पेस्टल पेंसिल, जो कि मेरे पास ये वाली है, तो ये ट्राई करके देखते हैं किस तरह से ऑप्ट हो पाती है। पेस्टल पेंसिल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वाइट है, जो कि आप देख सकते हैं अगर आप कलर पेंसिल से कंपैरिजन करोगे या फिर चारकोल वाइट चारकोल से भी ज़्यादा है इसका, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बट इसको ब्लेंड करने पे भी ये, मतलब ये देखो ब्लेंड करने पे किस तरह से हो रही है, मतलब उतनी वाइट नहीं रह रही, बट आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया है ब्लैक पेपर पे काम करने के लिए। बैकग्राउंड को भी वाइट करके देखता हूँ मैं, उसके लिए मैं पेस्टल स्टिक्स का यूज़ करता हूँ, कैमलिन की जो मेरे पास पेस्टल स्टिक है, तो उसका यूज़ करता हूँ ये वाली है जो। तो इससे मैं बैकग्राउंड को एक बार शेड करके देखते हैं किस तरह से लगता है। एंड गाइस, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी तरह से ब्लैक पेपर पर ड्रॉ करना है, मैं बस एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ किस तरह से चारकोल पेंसिल ऑप्ट हो पाती है, किस तरह से पेस्टल्स ऑप्ट हो पाते हैं, कलर पेंसिल्स ऑप्ट हो पाती हैं, और किस तरह से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के लिए, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सॉफ्ट पेस्टल काफ़ी फैल चुका है कंप्लीट पेपर पे, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जो भी ब्लैक एरियाज हैं उनको ब्लैक करने के लिए। तो अभी तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, फीका सा काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मेरे को लगा कि इसमें एक बार जेल पेन का यूज़ करके देखते हैं, जो भी इसकी आउटलाइंस हैं उनको मैं जेल पेन से ऑप्ट करके देखता हूँ किस तरह से हो पाता है। उसके बाद मैंने ट्राई किया इसमें पेंटिंग कलर वाइट वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइट है, तो ये काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर से ऑप्ट हो पा रहा था, अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीमली वाइट एरियाज को ऑप्ट करना है तो। बट ज़्यादा मत करना, ज़्यादा वाटर कलर यूज़ मत करना, क्योंकि 160 GSM का पेपर है, जो कि ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ये मैंने थोड़ा बहुत यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो पा रहा था। सो गाइस, ये है फाइनल रिजल्ट्स, जो कि मैंने ऑप्ट किए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके। तो कमेंट करके बताना किस तरह की लगी आपको ये वीडियो, किस तरह की लगी आपको ये ड्राइंग, रियल में तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ये।
सो गाइस ब्लैक पेपर पे मुझसे कुछ इस तरह से ड्रॉ हो पाया, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाया। बट जो भी ज़्यादा वाइट एरियाज थे, जो भी ज़्यादा हाईलाइट्स वाले एरियाज थे, वहाँ पर मुझे जेल पेन का यूज़ करना पड़ा या फिर पेंटिंग के कलर्स का यूज़ करना पड़ा। तो ये था बाय द वे लाइटली तो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पा रहा था। तो फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगा कि कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की ब्लैक पेपर पे या फिर कलर पेंसिल्स का यूज़ करके या फिर ओनली वाइट का यूज़ करके, ज़्यादा लाइट हो रहा था, ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते आप, ज़्यादा डार्क हाईलाइट्स नहीं होती, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था जो कि आप देख सकते हैं। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ब्लैक पेपर पे कुछ ड्रॉ करने की। मेरा तो यही एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट ए बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ बनाता रहूँगा और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और ट्यूटोरियल बनाते रहेंगे और ड्राइंग बनाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पहले अपडेट देता हूँ कोई वीडियो बनाने हो या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझे वहाँ पहले ही देख लेंगे। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी आईडी का। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।